हेलो एवरीवन, इट्स मी बुशरा खान। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, हमने एडवांस एक्सेल स्टार्ट किया है कल से। एडवांस एक्सेल पर हम बात कर रहे हैं, लेकिन एडवांस एक्सेल बहुत 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 बेहतरीन और बहुत ही काम आने वाली चीज़ है। इसके लिए ज़रूरी ये है कि आपका जो बेसिक एक्सेल है उसका प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए और ठीक ठीक आपको यूज़ करना आना चाहिए। उसका सही बिल्कुल आपको उसका सही नॉलेज होना चाहिए। आजकल कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बेसिक एक्सेल की ट्यूटोरियल्स को भी एडवांस एक्सेल के नाम से भेज रहे हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी करना गलत है। जो बेसिक है वो बेसिक है, जो एडवांस है एडवांस है। एडवांस में बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें आती हैं, जैसे मैंने कुछ चीज़ों की एग्जाम्पल कल भी दी थी। जैसे हमने कहा था कि लुकअप फार्मूले ही नहीं है, एडवांस फिल्टरिंग ही नहीं है, प्रीवोट टेबल भी ही नहीं है, बल्कि इसके अंदर आपकी कंडीशनल फॉर्मेटिंग और वगैरह वगैरह बहुत सारी बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स आएंगे जो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन मेरे ट्यूटोरियल्स जो है वो विजुअली चैलेंज पर्सन भी ज़्यादा फॉलो करते हैं और मैं उन्हीं के लिए बनाती हूँ। ज़्यादातर सबके लिए है, लेकिन ज़्यादातर वही लोग फॉलो करते हैं। मैं चाहती हूँ कि मेरी नॉलेज से सबको फ़ायदा हो, तो उसके लिए क्या है कि उस पर कुछ ट्रिक्स हैं जो VI को फॉलो करनी चाहिए। इसलिए मैं चाहती हूँ कि एडवांस एक्सेल को शुरू करने से पहले मैं आपके साथ कुछ इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स डिस्कस करूँ, जिससे कि आपका जो डेटा है, जो आपका वर्क है, वो बहुत ही इफ़ेक्टिव और एसेंशियल रहे। और उन ट्रिक्स का सब इस्तेमाल करें, उनको यूज़ करें और डेटा ख़राब ना हो। होता क्या है कि कंसिस्टेंसी, अगर मैं एक बात करूँ कंसिस्ट डेटा की, कि कोई कोई का डेटा ऐसा बना होता है, जैसे कि मान लीजिए बहुत सारे कॉलम चिपके एक में दूसरे में घुसे हुए, या फिर एक ही कॉलम में बहुत कुछ है और दूसरे कॉलम बहुत पतले हो गए, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ क्या होती है, डेटा आपका जो है एक प्रॉपर फॉर्मेट और टेबल में होना चाहिए। जब प्रिंट करें पेज पर, तो वो प्रिंट आपका जो पेज के हिसाब से और एक साइटेड पर्सन के लिए फुली विजिबल हो, उसके हिसाब से प्रिंट हो, तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, आपको फाइल और एक शीट का नाम अलग अलग देना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए मैंने एक फ़ाइल बनाई है, प्रैक्टिस सेशन फाइल। इसके अंदर तीन शीट रखी हैं, एक अटेंडेंस, एक सैलरी और एक मार्कशीट। ये तीनों के अलग अलग नाम है, फाइल का अलग नाम है, उसके साथ एक्सटेंशन का भी यूज़ कीजिए, डॉट है ना, डॉट एक्सेल का क्या है, ठीक है, तो .exe जो भी है आप एक्सटेंशन है एक्सेल का, वो यूज़ कीजिए। तो फाइल और शीट का अलग नाम होना चाहिए। तीसरी बात, डेटा को बहुत ब्यूटीफुल बनाने के लिए रैप टेक्स्ट का यूज़ कीजिए। रैप टेक्स्ट क्या होता है, जो कि आपका डेटा प्रॉपर एक ही फॉर्मेट में, जितना डेटा है उसी के फॉर्मेट में प्रॉपर तरीके से फिट हो जाए। ऑटो फिट का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि जितने डेटा को ज़रूरत होगी उसमें ही, जितने डेटा आपको स्पेस की ज़रूरत होगी उसमें ही फिट होगा, उसमें पर एक इंच का भी स्पेस नहीं बचेगा, ऑटो फिट है। तीसरा, विड्थ बढ़ा सकते हैं। विड्थ बढ़ाने में कभी कभी दिक्कत ये आती है कि 25 के आसपास अगर आपने बढ़ा ली तो ठीक है, कमियाँ ज़्यादा हो गई तो एक कॉलम बाकी बहुत बड़ा और दूसरे बाकी छोटे हो सकते हैं, वो जो है बाकी कम चौड़े, मतलब बहुत कम चौड़े रहते हैं, तो उनकी जो विड्थ है वो कम हो जाती है, तो विड्थ बढ़ाने में थोड़ा सा खतरा रहता है। इसलिए आप रैप टेक्स्ट और ऑटो फिट का यूज़ इस्तेमाल ज़रूर करें। तीसरा, कंसिस्टेंसी की बात हो रही थी, फाइल नेम शीट नेम की बात हो गई, ठीक है, और मैंने बताया कि आपको डेटा को इफेक्टिव बनाने के लिए क्या यूज़ करना चाहिए, रैप टेक्स्ट और इसके अलावा ऑटो फिट। अगर आपको कंसिस्टेंसी का आइडिया है, कितनी बढ़ाने से अच्छा लगेगा, कोई डेटा पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो आप जो है वो कॉलम विड्थ को बढ़ाएं, लेकिन अदरवाइज़ आपको नहीं आइडिया है तो ना बढ़ाएं, ठीक। अच्छा, एक और बात कहूँगी, अननेसेसरी फॉन्ट और स्टाइल का यूज़ ना करें प्लीज़। अननेसेसरी स्टाइल और फॉन्ट का यूज़ करेंगे तो आपको डेटा ऐसा लगेगा कि शायद नया एक्सपीरियंस होगा, कुछ अच्छा होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसलिए आप सेंस सेरिफ फॉन्ट या फिर अपना जो कैलिबरी या एरियल वगैरह जो फॉन्ट है, जनरल फॉन्ट, कॉमन फॉन्ट, वही फॉन्ट यूज़ कीजिए प्लीज़। साइज़ को 10x12 ही रखिए। एक्सेल में बहुत ज़्यादा डेटा होता है, इसलिए 10x12 जो टेक्स्ट का साइज़ है, फॉन्ट साइज़, वो काफ़ी है, इनफ है, उससे ज़्यादा का आप ना रखें,
ज़्यादा फ़ॉन्ट साइज़ ना रखें। तीसरा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करना चाहती हूँ कि जो आपका टेक्स्ट का अलाइनमेंट है वो सेंटर वेंटर सिर्फ हेडिंग के अलावा किसी और चीज़ का कोई अलाइनमेंट ना दें, टेक्स्ट का हमेशा लेफ़्ट रखें, और नंबर जब भी रखें नंबर का जनरली अलाइनमेंट है वो राइट रखें। नंबर का क्या रहेगा अलाइनमेंट राइट, मैं साइबर कैफ़े में हूँ इसलिए बहुत भीड़ भाड़ से आपको डिस्टर्ब हो सकता है, पर कोऑपरेट कीजिएगा। तो टेक्स्ट का अलाइनमेंट लेफ़्ट और नंबर का अलाइनमेंट राइट, ठीक है। दूसरी बात, और आपको और क्या बताना चाहूँगी मैं, हाँ जैसे कि आप कॉलम के लिए हेडर रो, ताकि ऊपर की क्या हेडिंग है जब कॉलम का अनाउंसमेंट करे टेक्स्ट का तो वो रो के साथ करे, इसके लिए आप हेडर रो, और कॉलम्स के लिए ग्रिड लाइन का भी यूज़ करें। ये मैं आपके बताऊँगी आपको ग्रिड लाइन और हेडर रो क्या होती है एडवांस में बताऊँगी, ठीक है। और एक और बात कहूँगी कि डेटा को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से फिट करने के लिए आप उनको, बस यही सब है, इतने ही काफ़ी है, इतना भी कर लेंगे तो उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। वैसे मैं कल आपको एक और चीज़ बताऊँगी जिसमें आप डेटा को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से फिट कर सकते हैं। अगर आपके डेटा बनाए हुए डेटा में कुछ डाउट है, आपको लगता है कि कहीं कम ज़्यादा बढ़ती या ऐसा ना हो जाए, तो उसके लिए आप एक क्रिएट टेबल का यूज़ कर लीजिए, उसमें आपका डेटा बिल्कुल जितनी नीड है उतने ही स्पेस में फिट हो जाएगा। उसके लिए आप कंट्रोल टी और ओके करेंगे और करेंट डेटा को सिलेक्ट करके ही कीजिएगा ताकि स्पेस सिलेक्ट ना हो, उसके लिए कंट्रोल शिफ्ट 8 से करेंट डेटा को सिलेक्ट कीजिए फिर कंट्रोल टी ओके। तो पहली बात तो अपने डेटा को सही रखिए जितनी चीज़ें मैंने बताई, उसके बाद फिर इस करंट डेटा रीजन को कंट्रोल शिफ्ट 8 से सेलेक्ट करें, कंट्रोल टी और ओके करें, तो आपका डेटा प्रॉपर तरीके से फिट हो जाएगा। अब हम करेंगे कल या परसों से एडवांस एक्सेल की शुरुआत, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जितनी एहतियात जितने ट्रिक्स मैंने फॉलो करने के दिए आपके लिए बहुत बेनिफिट होंगे, बहुत बेनिफिशियल ट्यूटोरियल होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।